नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंदौर शहर में कोरोना की पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में शहर में 10 नए पॉजिटिव मरीज रजिस्टर किए गए, तो वहीं 3 मरीज ऐसे हैं जो यूके और यूएसए से लौटे हैं। उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजे जा चुके हैं। वहीं कल आए पॉजिटिव मरीजों में 1 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। शहर के रिक्शा स्टैंड पर अब लोगों में लापरवाही का आलम नजर आता है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की स्थिति जस की तस नजर आती है। पिछले 24 घंटों में 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। पिछले एक महीने की अगर हम बात करते हैं तो लगातार तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर शहर के अंदर रजिस्टर किए जा रहे हैं। आज तारीख में इंदौर शहर में 79 के आसपास पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या रजिस्टर की गई है। शहर में लापरवाही का आलम कुछ इस तरह है कि इस वक्त मैं इंदौर के एक रिक्शा स्टैंड पर खड़ा हूं और जहां तस्वीरों में देखते हैं तो लोग अपने मास्क को भूलते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई लोग मास्क पहने हुए नजर आते हैं, पीछे की तरफ तस्वीरें देखते हैं तो लोग यहाँ मास्क भूल चुके हैं। लापरवाही का आलम यह है कि चाहे बाजारों में आप जाते हैं, बस स्टैंड पर अगर हम जाते हैं, जहाँ भी नज़र डालते हैं, कहीं ना कहीं लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। इंदौर शहर के अंदर 3 यात्री जो कि यूके और यूएस से आए थे वो पॉजिटिव हैं और उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में सैंपल भेजे जा चुके हैं। कल पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 1 साल की एक बच्चा पॉजिटिव सामने आया था, तो निश्चित रूप से जो खतरा बताया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये खतरा है, तो जाहिर सी बात है कि इंदौर शहर के अंदर सतर्कता जरूरी है। देखिए भाई साहब उतरे हैं और मास्क भूल गए। साहब मास्क भूल गए दादा? दीदी आप भी मास्क लगाइए, आपका अपनी सुरक्षा है। साहब आप मास्क बांध लीजिए, हाँ कपड़ा बांध लीजिए, वही ठीक है। शहर की तस्वीरें अब फिर देख सकते हैं आप कि लापरवाही का आलम इतना हो चुका है कि लोग अब मास्क को भूलते हुए नजर आते हैं। शहर का कुछ इस तरह है कि लापरवाही का आलम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं आतिफ शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। और कोरिया से संवाददाता सिकंदर खान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देख बातचीत के लिए। सिकंदर, क्या कुछ स्थिति फिलहाल कोरिया में आप देख रहे हैं? वहां पर क्या लोग सजग हैं इस नए वेरिएंट को लेकर और प्रशासनिक तैयारियां मुस्तैदी कैसी वहां पर आपको लग रही हैं? सिकंदर जी, पराग आपको बता दें कि कोरिया का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से कटा हुआ एरिया है। यहाँ से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो है वो कोरिया से कटा हुआ है। ऐसे में प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सतर्क नजर नहीं आ रही है। प्रशासन सबकी नजर आती है तो अगर हम अभी मार्केट में खड़े हुए हैं, अगर मार्केट की बात किया जाए तो शहर में लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के शहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है और अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है कि लोग अपनी जो ओमिक्रॉन जैसा तीसरा लहर कोरोना का जो जिस तरह से लगातार पूरे देश में लगातार फैल रहा है उसको लेकर के लापरवाही यहाँ पर और ज्यादा नजर आती ही नजर आ रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अब केसेस ओमिक्रॉन के सामने आने लगे और कोरिया जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश से कटा हुआ बॉर्डर होने के कारण प्रशासन को इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। जी लेकिन सिकंदर, प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां मुकम्मल नहीं है और लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अभियान प्रशासन चला रहा है? क्योंकि नए वेरिएंट के मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक केसेस सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए पराग आपको बता दें, मनेन्द्रगढ़ की बात करें, अगर हम कोरिया जिले की बात करें, यहाँ पे चुनाव भी चल रहे हैं। नगरीय निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, बैकुंठपुर सीट जनता का जो चुनाव है वो यहाँ पर चल रहा है और लेकिन चुनाव में जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की लापरवाही, लगातार बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर जो है वो जन सैलाब लेकर के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो जिस तरह से कोई बड़ा नेता आता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वहां पे जुड़ जाती है। अगर हम भीड़ की बात करें तो वो तो मास्क लगाते नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बात करें तो बड़े नेता पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात बीजेपी के भी बड़े नेताओं की बात है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों की यहां पर जो है कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान में कोरोना की तीसरी लहर को हल्के में लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका सिकंदर खान तमाम बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में
ओमिक्रॉन की दहशत के बीच उज्जैन जिले में कोरोना मरीज बढ़ने लगे हैं। अभी शहर में 5 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 3 मरीजों का उपचार अस्पताल में चल रहा, तो वहीं 2 मरीज घर पर ही उपचारत हैं। चिंता की बात है कि जिन 3 मरीजों का उपचार अस्पताल में चल रहा है, उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। शासकीय चिकित्सकों ने सलाह दी है कि सभी लोग पूर्ण गाइडलाइन का पालन करें। देखिए रिपोर्ट। दहशत के बीच उज्जैन जिले में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। हम आंकड़ों की बात करें तो अभी उज्जैन जिले में लगभग 5 केस ऐसे हैं जो कि एक्टिव हुए, जिसमें से 3 मरीज उपचाररत हैं जो कि चिकित्सालय में भर्ती भी है। 2 ही मरीज ऐसे हैं जो जिनका उपचार घर पर चल रहा है। मेरे साथ खुद यहां पर शासकीय माधवनगर चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सक मौजूद हैं, डॉक्टर सोनानिया जी। सर, किस प्रकार से यहां पर कोरोना अब बढ़ने को दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से लोग अवेयरनेस करें? नहीं, अभी जिस तरह से हमारे यहाँ कई दिनों से, करीब 2-3 महीने से केसेस नहीं थे और अभी अचानक पॉजिटिव आए हैं, जो पिछले एक सप्ताह में 5 केसेस आए हैं, तो इससे ये लग रहा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं हैं तो जैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है, हमारे यहाँ भी फैल सकता है। तो हमको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अभी हमारे यहाँ कम केसेस हैं, ज़्यादा केसेस नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से, उज्जैन वासियों से अपील है कि मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें, प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। अभी जो 5 में से हम लोग 2 लोग को होम क्वारंटीन किया है और 3 लोग हमारे माधवनगर अस्पताल में भर्ती है, उसमें से 1 मरीज को ऑक्सीजन लगी हुई है, बाकी 2 स्टेबल कंडीशन में है। ये थे कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर HP सोनानिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों को अवेयरनेस अपनानी होगी। वहीं चिंता की बात यह है कि जो 5 लोग बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। जो 3 लोग भर्ती हैं, उन्होंने भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए थे। यही सबसे बड़ी चिंता का असर दिखाई दे रही है। यहाँ पर लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना जरूरी है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। तो देश भर में ओमिक्रॉन वायरस ने दस्तक दे दी है। ग्वालियर में बीते दिनों 14 दिन के बाद अब कोरोना वायरस एंट्री कर चुका है। ग्वालियर में 2 कोरोना के मामले सामने आ गए हैं और इसके साथ ही प्रशासन पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारियां कर रहा है। लोग लापरवाही कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। संजय शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 123 से ज्यादा केस हो चुके हैं। वहीं कोविड की यदि बात की जाए तो ग्वालियर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन तो लगातार बाजारों में हो ही रहा है और प्रशासन लगातार इसको पूरी तरह से सख्ती से पालन करवा रहा है। लेकिन खुद कलेक्ट्रेट में जहां पर कि तमाम सारे लोग आ रहे हैं, खासतौर पे पंचायत चुनाव हैं, पंचायत चुनाव के चलते जो लोग यहां पर अपनी सरपंची का और जनपद का जो है नामांकन भरने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे साथ तमाम सारे लोग हैं जो कि जनपद सदस्य का और सरपंची का चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करवाने के लिए आए हैं। उनसे बात करेंगे। जी, आप यहाँ पर किस लिए आए? जिला पंचायत सदस्य वार्ड 2 से फार्म भरने के, नामांकन दर्ज करने के लिए। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर आए हैं तो क्या आपको कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए बोला गया है या आपसे किसी ने मास्क लाने का बोला है? क्योंकि आपके हाथ मुँह से मास्क गायब है। नहीं, मास्क जब आपसे बात कर रहे थे तभी हटाया है। वैसे तो कोरोना का गाइडलाइन का पालन करने का आदेश कलेक्टर साहब के यहाँ से भी है, प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन का आदेश पालन करने का नियम है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो नामांकन करवाने आए हुए हैं, उनका कहना है कि हमने मास्क अभी बात करने के लिए उतारा है। वहीं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मैं जयेंद्र सिंह फौजी। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या ये जिला पंचायत के नामांकन के लिए? बिल्कुल, तो आपका मास्क गायब? मास्क अभी हटाया हुआ है ये अपने बात करने के लिए और बाकी गाइडलाइंस। बिल्कुल, तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि मास्क अभी हटाया हुआ है बात करने के लिए। लेकिन वहीं और आगे अंदर जाकर देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि जो है लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। वहीं यदि मास्क की बात की जाए तो मास्क भी यहाँ पर नदारद है। वहीं एक कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए, वे भी, उनके ऊपर भी मास्क जो है यहाँ पर नहीं लगा गया है। हम बात करेंगे। जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग पट्टी के फॉर्म जमा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपके चेहरे, आप लोगों को जो है मास्क लाने की बात करते हैं और कलेक्ट्रेट में लगातार जो है लोग कोविड सोशल डिस्टेंसिंग को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात कही जा रही है, लेकिन आपके चेहरे पर मास्क नहीं है। सर सॉरी सर, वो मेरा मास्क अंदर रह गया है, बैग में रखा है सर, मैं अभी निकाल लेता हूँ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो आगंतुक है वो यहाँ पर मास्क
बिना मास्क के यहाँ पर दिख रहे हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल यहाँ से नदारद है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के लगातार बढ़ते हुए केस, हालांकि ग्वालियर में भी अब केस लगातार नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टर कार्यालय जो अपने ऑफिस में ही जो है कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करवा पा रहा, तो बाजारों की और आम जनता की तो क्या करें। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। और उज्जैन से संवाददाता प्रेम डोडिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कुछ है उज्जैन में तैयारी प्रशासन की कोविड की गाइडलाइन को लेकर, क्या लोग पालन इसका कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख रहे हैं प्रेम? जी हाँ पराग, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के शासकीय माधव नगर चिकित्सालय में। आप देख सकते हैं कि यही वह चिकित्सालय है जिसमें कोरोना की दूसरी लहर के समय भी इसे कोविड चिकित्सालय बनाया गया था। तमाम सारे मरीज यहाँ पर भर्ती किए गए थे। हम वर्तमान की बात करें तो उज्जैन जिले में करीब 5 मरीज अभी एक्टिव केस के रूप में है और पिछले 7 दिनों के भीतर ही ये 5 मरीज सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि इन 5 मरीजों में से 3 मरीज, मैं जिस चिकित्सालय के बाहर खड़ा हूँ यहीं पर भर्ती है, जिसमें एक मरीज को ऑक्सीजन लगी हुई है, 2 मरीजों का उपचार घर पर चल रहा है। इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन 5 मरीजों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों डोज लगवाने के बाद भी ये संक्रमित हुए हैं। हमारी यहाँ के डॉक्टर से चर्चा हुई, उनसे साफ तौर पर पूछा गया कि जब वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे तो उसके बाद भी ऐसा क्यों। उनका साफ तौर पर कहना था कि भले ही वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, बावजूद इसके कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना है। वैक्सीन केवल इतना बचाव कर सकती है कि मृत्युदर कम होगी, मृत्युदर को रोका जा सकता है, परंतु इसके अलावा यहाँ पर जो हम अन्य शहर के भागों की बात करें, महाकालेश्वर मंदिर की बात करें जो कि उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का किसी प्रकार का पालन नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अभी तक उज्जैन जिले में पिछले 2 महीने से कोई मरीज सामने नहीं आए थे, पर अचानक पिछले सप्ताह ही 5 मरीज सामने आए, तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की जो दहशत है उसके बीच कोरोना के मरीजों का बढ़ना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। यहाँ पर कोरोना के ये जो 5 मरीज आए हैं, इनके ओमिक्रॉन के सैंपल लिए गए, जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई है जो कि अभी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। ये जरूर है कि प्रशासन ने यहाँ पर चिंता करते हुए, जो पहले 500 से 600 रोजाना जांचे होती थी, रेंडमली जांच कर रहे थे, परंतु अब ये जांचे बढ़ा दी गई है, लगभग 1500 जांचे अब प्रतिदिन की जा रही है। वहीं जो चिकित्सालय है, जिस चिकित्सालय के बाहर मैं खड़ा हूँ, यह भी पूरी तरह सर्वसुविधा युक्त यहाँ पर डॉक्टर तैनात किए गए हैं। वापिस से यहाँ पर जितने भी नर्स हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह चौराहे पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए। पहले अमूमन यह होता था कि सेंटर बनाए जाते थे वैक्सीन को लेकर, पहले निर्देश जारी कर दिए जाते थे कि शासकीय स्कूल, धर्मशाला या लाज होटल में यहाँ पर वैक्सीन का सेंटर लगाया गया, परंतु अब चौराहों पर ही वैक्सीनेशन सेंटर लगा दिए गए। शहर के जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, महाकालेश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, इन सब के बाहर भी वैक्सीनेशन सेंटर लगे हैं। जो भी श्रद्धालु, जो भी यात्री, जो भी राहगीर मिल रहा है उसे रोक रहे हैं, उससे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। यदि वो अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर बताता है जिससे तत्काल सर्च किया जाता है, यदि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है या वो बताता है कि उसे डोज लगना बाकी है तो तत्काल वैक्सीन का डोज लगाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं रोको टोको जो अभियान है वह बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। तो प्रशासन तो तैयारी कर रहा है, परंतु कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उज्जैन में वर्तमान में 5 मरीज एक्टिव हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रेम आपका तमाम जानकारी और इस पूरी विस्तार से बातचीत के लिए। उधर डबरा में ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर लगातार प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाह हैं। ऐसा ही नजारा हमारे डबरा के तहसील परिसर में देखने को मिला, जहां पर इस दौरान कई लोगों से बातचीत भी की और लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लगातार प्रशासन पूरी तरह से चिंतित नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं डबरा के सिंधी बाजार में। यहाँ की अगर स्थिति देखें, यहाँ शहर से लेकर ग्रामीण तक का क्षेत्र का लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण से आए हैं, शहर से आए हैं, जो कि बिना मास्क के यहाँ से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या कारण है कि वो बिना मास्क के बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बाल किशन जी, आप बिना मास्क के यहाँ पर बैठे हो, खरीदारी कर रहे हो, तो क्या लगता है? नहीं तो स्वाभी तो आपने अभी बांध ली थे, आपको आपको कोरोना का कोई खतरा नहीं है? नहीं है ना सर, खतरा खतरा नहीं है, खतरा है ना।
खतरा है तो फिर क्या कारण है आप ऐसे बैठे थे? नहीं तब तो बहाने ना सर। तो देखा लोग अपनी 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 लगातार राय दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सिर्फ चरण जी, आप मास्क क्यों नहीं लगाए हो? ध्यान उड़ गया। आपको पता है कितना कोरोना का खतरा कितना भयंकर चल रहा है? तो देखा लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसमें भी लापरवाह बने हुए हैं। हम और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे जी, आप यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं और बिना मास्क के आप बैठे हैं? मास्क नहीं लगा रहे, ऐसा क्यों? ध्यान नहीं। आपको पता है कि आज आपको कोरोना नहीं होगा? आपको लगता है क्या? दिन के हिसाब से होता है क्या? तो फिर कहीं ना कहीं गलती मानते हैं आप। देखा तो बने हुए हैं, अगर इसी तरह से लोगों ने लापरवाही की तो हो सकता है कि शहर में एक कोरोना का बड़ा दस्तक दे सकती है। डबरा से इंडिया न्यूज के लिए अजय गौर। तो कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। देश भर में इस समय कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छोटे छोटे जिलों में भी अब मरीजों की संख्या आ रही है। अशोकनगर में 4 महीने बाद एक कोरोना की महिला मरीज मिली थी जो अब नेगेटिव है। कोरोना के एक्टिव होने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को गंभीर नहीं समझ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इसमें नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, कई मामले भी मिल चुके हैं। हाल ही में अगर देखा जाए तो भोपाल जो राजधानी है उसमें 70 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। इसके अलावा बड़े जितने भी शहर हैं उनमें भी नए कोरोना वेरिएंट की दस्तक और नए कोरोना मरीजों के आगमन शुरू हो गया है। 4 महीने के बाद मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जिलों में या दूसरे स्थानों पर भी कोरोना फिर से आ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक साबित नहीं हो रहा, मगर इसके बाद भी मध्य प्रदेश में चुनाव के माहौल में कोरोना को लेकर स्थितियां भयावह हो सकती हैं। इस समय हम खड़े हैं सुगनर की कलेक्ट्रेट के सामने और रैंडमली लोगों को इस बात को लेकर चेक करते हैं कि आखिर में सोशल डिस्टेंस और कोरोना के लिए मास्क जैसी सुविधाओं पर कितना उपयोग किया जा रहा है। तो मेरे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं सबसे बात कर लेते हैं। जब आप खड़े हैं कलेक्ट्रेट के सामने, जी जी, आपको पता है कोरोना दोबारा आ रहा है? जी पता है आपको, मालूम है। फिर आप मास्क? मास्क लगा लेते हैं। मास्क है मगर लगाते नहीं हैं आप, तो ये अब आदत में नहीं रहा। ये देखिए, ये इनकी जेब में मास्क है और ये और खड़े हैं भाई साहब। देखिए अभी उन्होंने लगा लिया। कोरोना में मास्क जरूरी है? जरूरी है। आप नहीं लगाते? नहीं, हाँ लगाते हैं, अभी नहीं लगाए। अच्छा, एक जो सज्जन हमारे साथ में है, मास्क लगाए हैं आप? नहीं, अभी कुछ देर पहले तक आप खड़े थे। देखिए अब ये जो दो भाई साहब और बैठे हैं, ये जैसे ही माइक और कैमरा देखा तो ये देखिए इनका मास्क आप लगा लीजिए। आप कितना जरूरी समझते हैं आप मास्क लगाना? हाँ है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, फिर भी आप नहीं लगाते? कोई जवाब नहीं। अच्छा आप बताएं भाई साहब, कोरोना आ रहा है दोबारा? सुन तो रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, आ रहा है, तो बचाव कैसे होगा? बचाव मास्क लगाएं। और आप? अब मास्क नहीं लगाए? देखिए मास्क नहीं लगाए और भी अगर आप। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से आम जनता कोई सरोकार नहीं रखती है, तो वहीं सरकार की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन रायसेन जिले की बात करें तो मुख्य बाजारों में लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं। रायसेन से 15 किलोमीटर दूर नकतरा चौराहे से हमारे संवाददाता अजय गोहिल का रियलिटी चेक का देखिए रिपोर्ट। केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की चिंता भी जायज है, लेकिन लोगों को यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है, तो कहीं संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, कि संभावित तीसरी लहर भी आ सकती है और हो सकता है कि ओमिक्रॉन का खतरा मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा जल्दी से आ जाए, लेकिन लोग इससे बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। हम रायसेन के नकतरा के मुख्य चौराहे पर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो होटल हो, होटल में भी आप देख सकते हैं कि जो लोग नाश्ता करने आए हैं या पानी पीने आए हैं, जो पास खड़े हैं या पास बैठे हैं, वो कोई भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, वहीं मास्क नहीं लगा रहा है, अपनी जिम्मेदारी से पर्दा झाड़ता नज़र आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अगर मध्य प्रदेश में यही स्थिति से कोरोना के केस बढ़ते रहे तो ये संभव है कि मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी पर पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचते नज़र आ रहे हैं और कोरोना को जैसी गंभीर बीमारी को समझते नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं हमारे पास हमारे साथ यहाँ पर एक जागरूक किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका?
नाम विशाल सिंह चौहान। विशाल सिंह जी, इतनी भीड़ में केवल आप मास्क लगाए हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है लोगों से कि मास्क लगाएं, ये तीसरी लहर जो आ रही है उससे मास्क ही बचाव है और दूरी है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से? जी, लोगों से बार बार बोला जा रहा है कि वैक्सीन लगवाएं। आप किस क्षेत्र से हैं? मैं ही नखतरा के पास में पट्टी गाँव है। पट्टी गाँव में कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है और लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? लगभग मेरे गांव में तो सभी लोगों को हो गया वैक्सीन, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये एक जागरूक किसान कह लीजिए, इनका ये अकेले इतने बड़े क्षेत्र में अकेले मास्क लगाए दिखे, बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी को से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये जिम्मेदारी से अगर अभी अपने से पर्दा डालते रहे या भागते रहे तो संभावित तीसरी लहर भी आ सकती है और ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।